दोस्तों, अगर आपको भी अपने लैपटॉप का लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसे चेंज करना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपका पहले तो है आपको जो है अनलॉक कर लेना है अपने पासवर्ड डालकर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनलाइज का, सिंपली इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और करंटली जो मेरा वॉलपेपर लगा हुआ यह है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3-4-5 वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जो कि आपके सिस्टम में होंगे पहले से। इनमें से अगर आप कोई लगाना चाहते हैं सिंपल सा आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपने किसी फोल्डर में वगैरह रखे हैं तो उसके लिए आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, आपका दिस पीसी ओपन हो जाएगा, या क्या तो माय कंप्यूटर जहाँ भी आप फोल्डर वगैरह रखे होंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको उस फोल्डर में जाकर जो है आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ वॉलपेपर में एंड यहाँ से कोई एक फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, इसे मैं लगाना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, चूज पिक्चर के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो चलिए चूज पिक्चर करते हैं और ये देखिए यहाँ से जो है आसानी से वॉलपेपर चेंज हो गया।